नमस्ते, पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोतीमहल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकपत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिमा मंडन हो रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब लॉरेंस की तस्वीर शेयर करके उसके हाथ को बकायदा रेखांकित किया जाता है, जिस पर श्री रामचंद्र जी का टैटू बना हुआ है। कहा यह जाता है भाई, जिसके साथ रामचंद्र हो उसको काहे का डर, हिंदू से फलाना ढिमका। क्या है सोशल मीडिया पर इस तरीके से महिमा मंडन और बाकी जो बात करें। डॉक्टर संदीप, आखिर सरकार को क्या फर्क नहीं पड़ता है इस तरीके की इमेज बनने से? क्या सरकार के अंदर देखा जाए तो जनता का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लोकतंत्र पर भरोसा उसका उठ गया है? जो सरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे एक जेल में बंद अपराधी को लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर दिखने दे रही है? जी राम प्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अपराधी, किसी भी अपराधी का महिमा मंडन बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, ये बहुत ही बता रहा है कि हमारा कैसे जो सोचने का सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। जो अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपराधी किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा आसपास के छोटे क्रिमिनल्स को, बड़े क्रिमिनल्स को, आपने उसके लिए कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो अपराध अपने घर में शुरू करता है, सबसे पहले वो घर के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करता है। इसलिए अपराधी, चाहे वो किसी परिवार का हो, जाति का हो, धर्म का, संप्रदाय हो, उसको यूलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। उसका महिमा मंडन अगर कर रहा है तो समाज जरूर किसी गंभीर समस्या में है, सामाजिक समस्या में है, और वो घी खा रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है। वो महात्मा गांधी नहीं है, वो अंबेडकर नहीं है, वो पेरियार नहीं है, वो मार्क्स नहीं है, समझिए। तो उसको क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? क्योंकि उसके थ्रू, उसको आइकन बना के अपने अपनी जो आइडियोलॉजी है, नैरेटिव है, उसको बिल्डअप किया जा रहा है। सबसे पहले राम प्रकाश जी, ये जानने की जरूरत है कि उस प्रिजन का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, प्रिजन का प्रोटोकॉल होता है, उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कौन देखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? वहां के जेलर है साबरमती जेल के, दिलीप सिंह क्षत्रिय जी, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई, कैसे वो बात कर ले रहा है? एक अपराधी जेल में बंद है, आपने देखा होगा, जेल में बंद है, कैसे वो बात कर ले रहा है? वहां पे सिक्योरिटी ऑडिट होती है, सिक्योरिटी जेल की जो रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट होती है, इससे तो पता चल रहा है कि उस जेल में कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। तो कैदी कभी भी भाग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बता रहा है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। एक एक छोटा सा क्रिमिनल जो जिसका जन्म 1993 में हुआ है, फजिलका में, पंजाब में, उसके पिता खुद पुलिस कांस्टेबल थे और चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, उससे वो क्राइम की दुनिया में घुसा। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि 700 शूटर हैं उसके पास, उसके नेटवर्क में, लेकिन वो कर क्या रहा है? कितनी उम्र है उसकी? 2014 से तो वो जेल में बंद है, और जब बंद हुआ वो, तो उस समय वो 21 साल का था, 10 साल से जेल में बंद है। ये एकदम गंभीर बात ये है कि इस देश में 20 लाख के करीब पुलिस पर्सनल है, हर राज्यों की पुलिसों को मिला दिया जाए, आपको उसके साथ जो पुलिस बल जुड़ा हुआ है, दूसरे भी बल जो पुलिस को सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी संख्या इस भारत में 20 लाख के आसपास है, और 1 लाख की आबादी पर भारत में 153 पुलिस वाले हैं। हालांकि जो UN है वो कहता है कि 222 होने चाहिए, वो जो पैरामीटर है उसमें हम पीछे हैं, खैर, लेकिन 153 भी पुलिस वाले हैं। अब क्या ये 20 लाख लोगों से ऊपर हो चुका है? जिसको चाहेगा उसको वो मार देगा? सिद्धू मूसेवाला को जिस तरह से मार दिया गया, सिद्धू मूसेवाले की जो लोकप्रियता थी, ये आरोप लगाया गया कि सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा गया क्योंकि वो विकी मिदु खेरा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इन्फॉर्मर था, उसको मारने में उसका हाथ था, जबकि सिद्धू मूसेवाला एक रैपर, एक गीत गाने वाला, गीत लिखने वाला, और
बहुत ही पॉपुलर वहां का सॉन्ग सिंगर था और उसको मार दिया गया। यही नहीं, इसका जो लॉरेंस बिश्नोई है इसके तार जो जुड़े हैं, इसका एक शूटर जिसके ऊपर आरोप है गोल्डी ब्रार, जो जिसको कनाडा मतलब जो कनाडा में गैंगवार में शामिल था, भारत सरकार ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी की है इंटरपोल से। ये क्या इतने सिस्टम से बड़े हो गए? एकदम सही बात है, सिस्टम चाह दे तो एक घंटा भी बहुत ज्यादा है, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। सिस्टम अगर चाह दे तो क्या वो सिस्टम से बड़ा हो चुका है? कौन डील दे रहा है? सवाल ये है कि कौन डील दे रहा है, कौन है जो उसको प्रिजन में प्रिजन प्रोटोकॉल से मुक्ति दे रहा है, कौन है जो उसको फ्रीडम दे रहा है प्रिजन के भीतर, कौन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन है जो उसको अपने लिए यूज कर रहा है, कौन है जो उसके थ्रू लोगों को मरवा रहा है, कौन है जो उसके थ्रू लोगों को धमकी दिलवा के अपने नैरेटिव को सेट कर रहा है, उसका वो जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय के रूप में उसको उभारा जा रहा है, उसको एक हिंदुत्व आइकन के रूप में उभारा जा रहा है कि हिंदू धर्म का एक शूटर है। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस धर्म में हिंसा की पूरी तरह से मनाही है उसमें एक अपराधी को, मैंने ये हालत हो गई है कि लोगों को एक अपराधी को एक आइकन के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। कितनी मतने आइकन की दरिद्रता हो गई है, मैंने लोगों को लग रहा है कि कोई है ही नहीं, बस एक लॉरेंस बिश्नोई बचा है, ना कोई वैचारिक आधार है, ना कोई सामाजिक सांस्कृतिक सोच है, ना कोई ऐसा काम किया है जिससे कि वो जेल में, वो पूरा का पूरा 24 कैरेट का अपराधी है, वो भी एक ऑर्डिनरी अपराधी है जिसको सिस्टम यूज कर रहा है। सिस्टम के पीछे कौन है? ये जो सवाल मैंने 3-4 पूछे हैं वो कौन लोग हैं? साफ है कौन है, वो साफ साफ दिख रहा है किनकी विचारधारा साथ रही है उससे। उसको दिल्ली से गुजरात कौन ले गया? उसको दिल्ली से गुजरात कौन ले गया? उसने उसकी दिल्ली जेल में एक व्यक्ति की मर्डर करते हुए वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ही भयावह, कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स में उसका नाम आ चुका है। अगर अगर पप्पू यादव ने कह दिया कि ये छोटे ठग हैं, तो उसका शूटर इतना उसके सम्मान को चोट पहुंची है कि उसने, अमन साहू नाम है उसका, उसने उनको फोन पे धमकी दी है कि हम आपको देख लेंगे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए अगर पप्पू यादव सिक्योरिटी मांग रहे हैं तो भारत सरकार को तो उनके मांगने से पहले दे देना चाहिए, क्योंकि आपको ये बताना है कि हमको अपने नागरिक, वो भी नागरिक कोई सामान्य नागरिक नहीं है, कई बार के सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनकी राजनैतिक, जिनका राजनैतिक आधार है, उनकी पत्नी सांसद है वो, और उसको भारत सरकार उसके पीछे, अच्छा ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल करने का मतलब है कि ये तो लोग अपनी तथाकथित जो इनकी विचारधारा है उसमें तो लोग कम से कम अपनी तार्किकता खो ही चुके हैं, तो ट्रोल करेंगे ही, ये लाजिमी है उनका ट्रोल करना। लेकिन मसला ये है कि लॉरेंस बिश्नोई की क्या वास्तव में इतना बड़ा हो गया है? लॉरेंस बिश्नोई जो एक एक हकीकत में गुंडा है, एक क्रिमिनल है, उसको सजा, अच्छा एक चीज और देखिए, जो भारत का कानून है, जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है 503 और 506 में सजा का प्रावधान है कि वो 2 साल तक उसके खिलाफ सजा हो सकती है जो एक्सटेंडेबल है 7 साल तक। उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई हुई उसके खिलाफ कि वो कैसे लोगों को धमकी दे दे रहा है? भाई क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, देश में कुछ है? नमस्ते, पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन, आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं, 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोतीमहल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकपत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।